रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा की नई नई शादी हुई थी। शादी का दूसरा ही दिन था। सुबह निशा की सास निशा को पहली रसोई की रस्म करने के लिए कहती है, जिस पर कांता अपनी बहू से कहती है, बहू सुन, आज तेरी पहली रसोई है, लेकिन अपनी इस रसोई में तुझे करीब 15 लोगों के लिए हलवा बनाना है। अब इतना सुनते ही निशा के तो होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है, ना जाने ये कैसी रस्म है, मैंने तो सोचा एक कटोरा ही हलवा बना लूंगी, लेकिन यहाँ तो सालों से भूखे बैठे हैं, 15 जनों के लिए हलवा, बाप रे बाप, मेरी तो शादी सफल हुई समझो आज के हलवे के बाद। अब निशा हलवा बनाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि इतनी ही सूती में हलवा बनाना है तो उसे घबराहट होने लगती है, जिस मारे वो चीनी की जगह नमक ही हलवे में डाल देती है। और जैसे ही सब खाते हैं, सब हलवे का बहुत मजाक उड़ाते हैं। नमकीन हलवा भी भला कभी हुआ है, अब किया भी क्या जा सकता था। बेचारी निशा की सास कांता उसे सुनाने लगती है, बहू तुझसे काम नहीं होता, पहले बता देती ना, ये काम चोरी मुझे अच्छी नहीं लगती, जाकर बर्तन पड़े हैं वो साफ कर ले, हलवे का तो तूने सत्यानाश ही कर दिया, अब बर्तन ध्यान से धो लियो। वो माँ जी, मैंने कभी इतने लोगों का खाना बनाया नहीं ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो जैसे शादी से पहले हलवाइयों के साथ काम करती थी। बहू शादी के वैसे अभी 15 ही दिन हुए हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, दरअसल मुझे पोता पोती के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी ही मुझे दादी बनवा दे। तो माँ जी मैंने कौन सा किया है, तभी तो चीनी की जगह उसमें नमक डल गया। अब देर रात जब अमन घर आता है, तब निशा अपने पति अमन से कहती है, जी सुनिए ना, ये शादी ब्याह तो हो गया, अब हनीमून पर कब जाएंगे। क्या कहा, हनीमून? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, पहले ही ऑफिस की इतनी छुट्टी हो गई है, अब और कहीं नहीं जा सकता मैं। तो हनीमून का क्या, हम हनीमून नहीं मनाएंगे? तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, शादी ब्याह हनीमून इन सब को छोड़ो, मुझे सुबह टाइम पर उठना है और ऑफिस जाना है मुझे। अब ये सुनकर पल पल निशा के संजोए सपने टूट रहे थे। वो शादी से पहले सोच रही थी शादी के बाद कितनी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी ऐसी मिलेगी। अब निशा भी अपनी शादी की बर्बादी की शुरुआत से दुखी होकर सो जाती है। अब जैसे ही निशा सुबह उठकर किचन में खाना बना रही थी, तभी निशा की सास कांता किचन में आती है और कहती है, मेरी बहू निशा से कोई भी काम नहीं करवाएगा, वो पेट से है और उसे आराम की जरूरत है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर निशा बोलती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुरंत ही वो मन में अपने पति को कोसते हुए सोचती है, एक तो मेरी शादी के बाद फूटी किस्मत, ऊपर से माँ जी जले पर नमक छिड़क रही हैं, इनके बेटे को तो हनीमून तक पर नहीं जाना, और इधर मेरी सास ने तो दादी बनने के लिए सपने सजा लिए, पहले मेरे सपने तो पूरे हों, इनके सपनों की बारी तो बाद में आएगी। अब निशा काम करने में लग जाती है, और तो और वो सुबह से ही घर के काम में लगी होती है, ना उसे अपने खाने का ख्याल रहता है और ना ही उसे थोड़ा आराम मिलता। कांता भी बहुत सारा काम बताकर घर से निकल जाती है और दोपहर को घर में औरतों के साथ गप्पे लगा कर आती है। जब देर रात निशा की माँ का कॉल आता है, तो निशा अपनी माँ को रोते हुए कहती है, माँ मेरी शादी नहीं बर्बादी हुई है, मुझे दिन से रात हो जाती है काम करते हुए, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता, लगता है मैं काम करते करते ही मर जाऊंगी। अब पता चला कि कैसा होता है ससुराल में काम करना, कितनी बार तुझे सुबह उठाते हुए कहती थी कि निशा काम कर ले, रोटी बनाना सीख ले, लेकिन नहीं अब भुगत। इतना बोलकर निशा की माँ भी निशा का फोन कट कर देती है, और फिर निशा उदास मन लेकर खुद से कहती है, मुझे अगर पता होता शादी करना इतनी बड़ी बर्बादी है तो मैं शादी ही नहीं करती, सारी जिंदगी कुंवारी रह जाती। अब अगली सुबह निशा घर का काम कर रही होती है, तभी निशा का पति अमन घर आता है और वो अपनी माँ और पत्नी से कहता है, मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊँगा, आप दोनों तैयार हो जाना और सामान भी पैक कर लेना, और सुनो ज्यादा नहीं बस 5 दिनों के ही कपड़े रखना। ये सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत खुश हो जाती है, साथ ही मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा है कुछ समय के लिए सही, इस घर और घर के कामों से तो छुटकारा मिलेगा। और इसी खुशी के साथ वो तैयार भी हो जाती है। देर शाम को जब सब घर से निकलते हैं,
और अमन अपनी बीवी को जब अपनी मौसी के घर पहुंच जाने के बाद कहता है, निशा माँ आ गया मासी का घर, चलो जल्दी। इतना सुनने के बाद अब निशा मन में कहती है, कब से पूछ रही हूँ इस इंसान से कहाँ जा रहे हैं हम, तो मेरे को कह रहे हैं सरप्राइज। अब पता चला अपने रिश्तेदारों के घर लाने को भी सरप्राइज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर कोई हमें रोमांस करते हुए देखकर एकदम से आकर सरप्राइज करेगा। अब क्या सोच रही हो, ये माँ की बड़ी बहन का घर है और उनकी लड़की की शादी है। तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि कहीं घुमा कर लाओ, तो लो अब जी भर कर घूमो यहाँ। जी जी बिल्कुल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, कितनी अच्छी जगह लेकर आए हैं आप मुझे। जान से मार देने का मन कर रहा है मेरा इस आदमी को, लेकिन ये रिश्ते, ये मेरा पति है, बस इसकी ही कदर कर रही हूँ। निशा आई तो मेहमान बनकर ही थी, लेकिन उसकी इज्जत शादी के घर में कौन ही करता, काम तो खुद करना ही पड़ता है। अब हर कोई ना कोई उसे नया काम कहने लगा था। ये देखकर निशा मन ही मन में कहती है, जिंदगी खराब होकर रह गई मेरी शादी के बाद। बताओ घर के कामों से थोड़े दिन आराम मिलता तो अब ये हुआ मेरे साथ कि मुझे और बुरी तरह शादी में और घर में फंसा दिया। यहाँ तो बैठने क्या, पलक झपकाने तक का भी समय नहीं है। शादी का घर था, निशा को काम तो करना ही था, लेकिन अचानक निशा को काम करते हुए चक्कर आ जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि निशा गर्भवती है, वो भी 2 महीने की। अब कांता अपनी बहू को देखते हुए सबसे कहती है, हाँ हाँ निशा बिल्कुल काम नहीं करेगी, अरे तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताना। निशा को जब ये सुनने को मिलता है कि उसे आराम करने को मिलेगा तो वो बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, क्या बात है, अब तो आराम ही आराम है, पहले पता होता तो शादी से पहले भी प्रेग्नेंट हो जाती, लेकिन ये सही भी तो नहीं होता ना। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब शादी से वापस आने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है और एक दिन उसे पेन शुरू हो जाता है। वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय तो कर रही थी, लेकिन उसे कभी कभी दर्द भी होता था। पहले शादी का घर, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, अपना घर छोड़कर दूसरे के घर आना, ये सब एक सपने जैसा लगने लगा था निशा को, क्योंकि औरतों की जिंदगी इतनी भी आसान तो नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। और निशा भी अब धीरे धीरे जीना सीख रही थी परिस्थिति के मुताबिक। और एक रोज वो अपनी माँ से बातें करते हुए कहती है, माँ आज पता चला आपने हमारे और पापा के लिए क्या कुछ खोया है, कैसे औरतें शादी के बाद जीती हैं, ये हर माँ को अपने बच्चे को बताना चाहिए माँ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।